अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुलाब्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज कोरल ड्रॉ X8 के अंदर हम स्मार्ट फिल टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरल ड्रॉ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं उस कोरल ड्रॉ के ज़रिए, और चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल नज़र नहीं आ रहा, ये स्मार्ट फिल टूल है, असल में ये टूल बार में नज़र नहीं आ रहा, तो होगा तो सही। चलो इसको देख लेते हैं। तो स्मार्ट फिल टूल जो है ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसको हम यहाँ से ही देख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको ये यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल, ठीक है। तो इसको कैसे हम करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है और बहुत प्यारा काम करता है। यहाँ पे शॉर्टली हम कुछ चीज़ें करेंगे। ये एक बॉक्स हमने ले लिया और इसके अंदर हमने यहाँ से लाइन टूल से एक कट लगा लिया, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन लग गई। हम टू पॉइंट लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद शेप टूल लेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, और फिर हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेंगे और यहाँ पे इसके कलर्स आ गए, सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे ये इसका स्पेसिफाई कलर है, ये इसकी मोटाई है। तो हम यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं और इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। ये फिल हो गया। अभी ये फिल होने के बाद हमने इस लाइन को दोबारा सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा नीचे चलाया, नीचे चलाने के बाद इसको हमने शेप टूल में जाके इसको थोड़ा सा इस तरह किया और पकड़ के यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे ले जाने के बाद हमने इसको ये किया, यहाँ से हमने स्मार्ट फिल टूल लिया और यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसको ये कलर करना चाहते हैं तो ये कलर कर देंगे, ठीक है। फिर इसको अगर चला सकते हैं आप तो इसको चला लें नीचे, कंट्रोल ज़ेड, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा नीचे चलाएंगे, ठीक है जी। इसको शेप टूल लेके इसको सेलेक्ट करके हम इस तरह कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे इसको, थोड़ा सा यहाँ पे ले आएंगे, फिर स्मार्ट फिल टूल लेंगे और यहाँ से एक कलर ले लेंगे, कोई कलर ले लेंगे, यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं और यहाँ पे ये ब्लू कलर कर देते हैं। इस तरह इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन बन सकते हैं। इसको हम लाइन को सिलेक्ट करके नीचे ले आते हैं और शेप टूल लेके इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कर लेते हैं एक, ठीक है जी। और फिर स्मार्ट टूल ले लेते हैं यहाँ पर,
स्मार्ट फिल टूल ले लेते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर कर लेते हैं और यहाँ पे ये कलर कर लेते हैं। उसके बाद हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके अंदर हम कोई कलर कर देते हैं ये, और ये जो ऑब्जेक्ट हैं सारे इनको सिलेक्ट करके इनकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। और इस तरह एक आपका जो है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला इसके ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरह इसको एक अच्छा सा बैकग्राउंड स्मार्ट फिल टूल की वजह से दे सकते हैं। उसके बाद हम एक और देखते हैं, इसको ग्रुप भी किया जा सकता है, ग्रुप करके आप इसको सेट कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ये भी देख लें। स्मार्ट फिल टूल का यूज़ हमने देखना है सिर्फ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन, ये फूल मैं अमूमन बनाता रहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा लगता है तो इसलिए इसको बनाता हूँ। ये हो गया, इसको मैं सिलेक्ट किया, इसके अंदर हमने कोई एक कलर कर दिया, कंबाइंड कर दिया यहाँ पर। अभी हम इसको सिलेक्ट करके, एक तरीका है कि हम यहाँ पे इसके बीच बीच में कलर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही कलर कर रहा हूँ, मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा। ये इसको देख लिया हमने, इसके अंदर हमने कलर चेंज कर लिए। अभी इसके अंदर हम ये कुछ ये कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया। उसके बाद एक कलर कुछ और चेंज करना चाहता हूँ मैं, ये कलर रखना चाहता हूँ। इसको ये दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ये वैसे तो ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, पर स्मार्ट फिल टूल की मदद से आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप बहुत सी चेंजिंग कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं इसको। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छा बनाते हैं। तो ये ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक तरीकाकार बता दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने स्मार्ट फिल का यूज़ कैसे करना है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई टेक्स्ट लिख लें तो टेक्स्ट के ऊपर कैसे करें, zaineabiwinitcharie, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है जी। बड़ा करने के बाद ये स्ट्रेच मैंने कर दिया, ऐसा करना नहीं है, स्ट्रेच मत करो कभी भी इसको, इधर से बड़ा किया करो। ये करने के बाद इसके ऊपर हम कोई फॉन्ट ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद इसके अंदर हम ये कलर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से 2.9 सेलेक्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर, ठीक है जी। ये करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ ताकि हमें इस क्लियर नज़र आए। उसके बाद हम इस टूल को शेप टूल कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं,
ठीक है जी। करने के बाद हमने स्मार्ट फिल टूल यहाँ से लिया, यहाँ से कलर चेंज किया, कोई कलर एक चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे फिल करते जाएंगे, ये इस तरह आप फिल करते जाएंगे ऊपर वाले हिस्से को। ये कलर हो गया, नीचे वाला डिफरेंट है। नीचे वाला भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये नीचे वाला भी चेंज कर दिया आपने, ठीक हो गया। अभी इस लाइन को बेशक हम डिलीट कर दें, ऊपर वाले को सिलेक्ट करें और इसको पकड़ के ऊपर ले जाएं। पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हो रहा सारा। चलो ठीक है, इस तरह हम इसको एक डिफरेंट कलर का लिया, इसको ऊपर वाला। अभी मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा, असल में ये पॉइंट थोड़े कम थे इसलिए जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। ये सिंगल सिंगल सिलेक्ट करना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट हो तो एक ही साइड एक ही दफ़ा पिक टूल से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, पर तो ये सिलेक्ट किया इसको हमने, इसको ले गए ऊपर तो इसको कंट्रोल जी कर दिया, ठीक है जी। अभी नीचे वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको पकड़ के लेंगे नीचे, ये भी नहीं आ रहा, ये यहाँ पे ये भी आ गया, इसको भी कंट्रोल जी कर लेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। अभी इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया, अभी इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे भी फिर भी थोड़ा सा फ़र्क रह गया है, अभी ये फिट हो गया। तो इस ऊपर वाले हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल में जाकर इसको हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ये दे सकते हैं, ठीक है जी। और नीचे वाले को सेलेक्ट करके इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से इसके अंदर हम यहाँ से फाउंटेन फिल में ये कलर भी दे सकते हैं और इसके अंदर हम ये भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितना इसको अच्छा बना सकते हैं। तो ये तरीकाकार था जो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन असर।